हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभिनव पब्लिक स्कूल बिड़ला के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करता किया था डिवाइड बाय सूत्र बराबर योजक मेथड, ओके उसी को हम वापस कंटिन्यू करेंगे। उसके एक क्वेश्चन देखे था क्वेश्चन नंबर 19 को हम डिस्कस करेंगे। या फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखता है, 14885 को डिवाइड करना है 123 से, ओके। तो यहाँ पे 123 के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 100, ओके। ये किसके नियरेस्ट है, ये किस 10 की पावर के नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, ओके। बेस हम कैसे लेंगे, बेस या फिर 10 ले सकते हैं, या फिर 100 ले सकते हैं, या फिर 1000 ले सकते हैं, जो भी 10 की पावर है वो हमारे बेस हो जाएगी। इसके लिए डेविएशन कितना होगा, डेविएशन कितना हो जाएगा 123, तो डेविएशन कितना हो जाएगा प्लस का 23। सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तीन ब्लॉक बनाते हैं हमें, फर्स्ट ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक, ओके। फर्स्ट ब्लॉक में हम क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास डिविजर दे रखा है वो हम डिविजर लिखेंगे, ओके। पहले हम थर्ड ब्लॉक का वैल्यूज पुट करेंगे, बेस वैल्यूज में जितने जीरोस दे रखे हैं उतने ही डिवाइडेंड के डिजिट हम थर्ड ब्लॉक में पुट कर लेंगे। 20 दे रखे हैं तो इधर हम 2 डिजिट जो है हम थर्ड ब्लॉक में पुट कर लेंगे। 2 डिजिट क्या क्या होगी हमारे पास इधर 8 एंड 5। रिमेनिंग डिजिट जो है हम मिडिल ब्लॉक में पुट कर लेंगे। रिमेनिंग डिजिट क्या है, 1, 4 एंड 8, ओके। ये जो डिवीजन दे रखा है 123, डिवीजन के नीचे हम क्या लिखेंगे, डेविएशन। डिवीएशन यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस 23, यहाँ पे डेविएशन लिखे हो जाएगा प्लस का 23। डेविएशन के नीचे हम लिखेंगे मॉडिफाइड डेविएशन, जो हो जाएगा हम साइन चेंज करके लिखेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा और ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ओके। वापस प्रोसेस हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 1 को जो हमें एडिटिज या फिर कैरी करना है, ओके। 1 को एडिटिज कैरी करना है, फिर 1 को जो हमें मॉडिफाइड डेविएशन से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में पुट करते जाना है। 1 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये -2, ओके। -2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के ऊपर बार लगा देना है। 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -3, ओके। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 - 2 कितना होगा ये 2, फिर 2 को जो हम वापस इधर मल्टीप्लाई करेंगे मॉडिफाइड डेविएशन से, 2 - 2 कितना हो जाएगा 2 - 2 - 4, तो इसको हम नेक्स्ट कॉलम में पुट कर लेंगे। इधर हो जाएगा ये -4 एंड 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा -6, ओके। वापस हम इनको ऐड कर लेंगे, 8 - 3 - 4 कितना हो गया -7, 8 - 7 कितना हो गया ये 1। 1 को वापस मॉडिफाइड डेविएशन से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -2 एंड 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -3, ओके। वापस इनको हम ऐड कर लेंगे, 8 - 6 and -2 ये कितना हो गया -6 and -2 - 8, 8 - 8 ये कितना हो गया 0 एंड 5 - 3 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा, जो भागफल आएगा वो आ जाएगा 121 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 02, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर का, डिवाइड बाई दोजांग मेथड। दोजांग मेथड से हम डिवाइड करना सीखेंगे। दोजांग मेथड बेसिकली होता क्या है, इधर देखिए सूत्र परावर्त योजक मेथड है, सूत्र निकिल मेथड और दोजांग मेथड में डिफरेंस क्या है, जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था। सूत्र परावर्त मेथड और ये सूत्र निकिल मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास डिविजन दे रखा है वो बेस वैल्यू के नियरेस्ट है, तब हम इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन दोजांग मेथड मल्टीपल लोग फॉलो करता है, यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं, और जो डिविजन दे रखा है वो बेस वैल्यू के नियरेस्ट नहीं है तो भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, दोजांग मेथड को फॉलो क्या करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका,
एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है वो फॉलो करना है, सारे इक्वेशन इससे हो जाएंगे। सपोज हमें डिवाइड करना है 1, 2, 3, 4 को डिवाइड करना है 49 से, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेंड, और ये क्या 49 क्या होगा डिविजर। तो ये आपके डिविजर दे रखा है वो बेस वैल्यू के नियरेस्ट नहीं है। बेस वैल्यू कैसे लेंगे, मैंने क्या बोला 10 की पावर जो भी होगी वो सारी बेस वैल्यू होगी, जैसे 10 हो गया, 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100 या फिर 1000, ओके। ये जो सारी होगी बेस वैल्यू होगी, लेकिन ये 49 जो है ये किसी भी बेस वैल्यू के नियरेस्ट नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को है दोजान मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। दोजान मेथड अप्लाई कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये 49 दे रखा है, 49 दे रखा है, जो ये हमारे पास डिविजर है, इसको हम जब कॉलम में पुट करेंगे हम इसमें लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ओके। जो यहाँ पे जो हमारा 9 होगा उसको हम बोलेंगे दोजान, एंड जो 4 जो होगा वो होगा मुख्यांक, ओके। अब दोजान एंड मुख्यांक का रोल क्या होगा, जो मुख्यांक होगा मुख्यांक हमारे पास डिवाइड करने के लिए काम आएगा, ओके। मुख्यांक से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को जो डिविजर दे रखा है हमारे पास डिवाइडेड है उनको हम डिवाइड करेंगे, और दोजान को हम मल्टीप्लाई करने के लिए काम आएगा। कैसे करेंगे वो अभी देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, सपोज ओनली वन डिजिट दे रखी, जैसे 1, 2, 3, 4, और इसको डिवाइड करना है 9 से, तब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ओनली जो डिविजर है ओनली वन डिजिट दे रखी है, तो अब इसमें दोजांक एंड मुख्यांक कैसे लेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, वैदिक मैथमेटिक्स जो मैथ में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाएंगे, ना कि कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो 9 आप सीधा जो है लॉन्ग डिविजन मेथड से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर इसको दोजांक मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों आप 9 को 09 भी लिख सकते हैं, ओके। 09 जब लिखोगे तो इस कंडीशन में जो 0 होगा वो क्या होगा मुख्यांक होगा, एंड 9 जो होगा वो होगा दोजांक, ओके। लेकिन मैंने क्या बोला है, डिवाइड हम जो हमेशा मुख्यांक से करते हैं, और 0 से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में डिवाइड करना मना क्या हुआ है, 0 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी करोगे तो आंसर कितना आएगा इनफाइनाइट, ओके। और इनफाइनाइट कुछ वैल्यू होते ही नहीं है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि हम 9 को जो है दोजांक मेथड से इसको डिवाइड करें। 9 को सीधा आप 9 की टेबल से डिवाइड कर लीजिए लॉन्ग डिविजन मेथड से, जो 2 वैल्यूज दे रखी है उसी कंडीशन में आपको 2 डिजिट दे रखी है तभी आपको दोजांक मेथड अप्लाई करना है। इससे क्वेश्चन देखते हैं आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड करना है 7453 डिवाइड बाय, चलिए पहले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी क्वेश्चन ना लेते जिसमें सारा डाउट काफी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं हम 1, 2, 3, 4 जो भी मैंने एग्जाम में बताया था वही क्वेश्चन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 42, ओके। तो यहाँ पे जो डिवीजन दे रखा है वो 10 की किसी भी पावर के नियरेस्ट नहीं है, जो बेस वैल्यू है उसके नियरेस्ट नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, दोजांक मेथड से। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी मेथड आपको नहीं पता रहा किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो आपको डिसाइड करना है इसमें मेथड कौन सा लगेगा, दोजांक लगेगा, सूत्र प्रावर्त्यवजन लगेगा, या फिर सूत्र निकिलम लगेगा, वो आपको डिसाइड करना है, ओके। दोजांक मेथड हर क्वेश्चन में फॉलो कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन सूत्र प्रावर्त्यवजन से हो रहा है या फिर निकिलम से हो रहा है, तो आपको पहले उन्हीं को प्रायोरिटी देनी है। ये थोड़ा मेथड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 42 दे रखा है इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, जो हमारे 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोजांक हो जाएगा, और ये 4 जो होगा ये क्या होगा मुख्यांक हो जाएगा, ओके। अब दोजांक एंड मुख्यांक हम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज यहाँ पे जो डिविजन है वो 3 डिजिट का दे रखा है, जैसे मैंने लिख लिया 8, 7 एंड 9, 3 डिजिट का ये डिविजन दे रखा है। अगर इसी वैल्यू को इससे हमें डिवाइड करना होता तब हम दोजांक एंड मुख्यांक कैसे डिसाइड करेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं 87 की पावर यहाँ पे 9 लिख लेते हैं और इसको हम दोजांक लेते हैं, इसको हम मुख्यांक लेते हैं, लेकिन जो आप मुख्यांक दे रहे हो उसकी टेबल भी तो आपको आनी चाहिए। यहाँ पे 87 की टेबल जो लिखना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे दोजांक का आप 2 डिजिट ले लीजिए, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 8 की पावर
79, ओके जो आप 79 लोगे इसको आपने 2000 ले लिया और ये मुख्या होगा 8, तुम 8 की टेबल आप इजीली बोल सकते हो, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो है इन नंबर को विनकुलम में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेज में, विनकुलम में कन्वर्ट करके भी इसको इजीली आप कर सकते हो और ये प्रोसेस भी इजी है। ओके यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 की टेबल आप इजीली बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप मुख्यांक क्या लोगे 4 एंड ध्वजांक क्या लोगे 2। सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, 3 कॉलम आपको बना लेना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा ध्वजांक एंड मुख्यांक, ये 2 हमारे पास क्या हो गया ध्वजांक और ये क्या हो गया मुख्यांक। ओके ये बार बार मैं क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। ओके ध्वजांक में जितने डिजिट दे रखे हैं उतने ही थर्ड कॉलम में डिवाइडेंड के डिजिट आएंगे। ओके यहाँ पे ध्वजांक में ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ पे भी ओनली 1 डिजिट ही आएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा इधर 4 एंड रिमेनिंग सारी डिजिट जो है मिडिल कॉलम में हमें पुट करनी है, रिमेनिंग डिजिट क्या हो जाएगी 1, 2 एंड 3। ओके थर्ड कॉलम जो डिजिट रहेगी रिमेनिंग वो रहेगी 4। ओके सबसे पहले प्रोसेस हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले प्रोसेस हम क्या फॉलो करेंगे डिवाइड करना शुरू करेंगे, स्टेप साइड में आपको लिखते जाना है, जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो स्टेप साइड में आपको लिखते जाना है। ये मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रही है इजीली समझना इसको। मैंने क्या बोला मुख्यांक से हम डिवाइड करेंगे, इसमें मुख्यांक क्या दे रखा है 4, 4 को हम पहले 1 से डिवाइड कर, 1 से डिवाइड होता नहीं है तो हम ये 12 दे देंगे। ओके फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे 12 डिवाइड बाय 4। ओके 12 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे मुख्यांक से डिवाइड करेंगे, ओके कितनी बार जाएगा ये 3 टाइम्स। ओके तो यहाँ पे क्वार्टन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके तो जो क्वार्टन आया है 3 इनको हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे 12 के नीचे, और जो रिमाइंडर 0 आया है उसको इस 2 के आगे और 3 के पीछे और इन दोनों के बीच में नीचे लिखना, इधर इधर हम बीच में लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। यहाँ पे जो न्यू डिविजर है जो न्यू डिवाइडेंट है वो क्या हो गया 0 3 हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, जो हमारे पास 0 3 है, जो हमारे पास न्यू डिविजर जो है न्यू डिवाइडेंट जो है 0 3 है, 0 3 में से हम माइनस करेंगे। अब यही प्रोसेस बार बार फॉलो करने की चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या करना है जो हमारे पास क्वार्टेंट आया है 3 इसको मल्टीप्लाई करना है ध्वजांक से। मैंने क्या बोला ध्वजांक का रोल क्या, ये मल्टीप्लाई होगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 से और इस न्यू डिवाइडेंट से हम माइनस कर लेंगे। ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। ओके माइनस 6 3 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 आ रहा है। ओके माइनस का 3 आ रहा है मींस ये प्रोसेस अब हमें फॉलो नहीं करना है, माइनस 3 नहीं आना चाहिए, जो हमारे पास मॉडिफाइड जो डिवाइडेंट है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ओके ये 6 कहां से आई ये चीज ध्यान रखना, ये 6 कहां से आया है, ये हमने माइनस ये हमने 3 में से जो हमारे पास न्यू डिवाइडेंट दे रखा है, न्यू डिवाइडेंट में से हमने क्या माइनस किया है क्वांटेंट को मल्टीप्लाई किया है हमने ध्वजांक से। ओके क्वांटेंट को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, ध्वजांक को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, क्वांटेंट को मल्टीप्लाई किया मैंने ध्वजांक से, इसको मैंने किस में से माइनस किया है जो मेरे पास न्यू डिवाइडेंट था उसको मॉडिफाइड करने के लिए इसमें से माइनस किया, लेकिन जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस 3 आ रहा है, माइनस 3 जो है न्यू डिवाइडेंट नहीं होना चाहिए, डिवाइडेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा इन दोनों को कैंसिल आउट कर लूंगा, ये हमें नहीं लेना है। अब हम रिमाइंडर ऐसा करते हैं, हम भाग जो दे रहे हैं जो डिवाइड कर रहे हैं वो कम बार लेके देखते हैं, पहले हमने कितने टाइम्स दिया था 3 टाइम्स, अब हम 2 टाइम्स लेके देखते हैं। ओके 14 को हम अगेन 4, 12 को हम अगेन 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके देखता है, इस बार हम जो है 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 2 टाइम्स देंगे तो 8 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा इधर 4। तो वापस हम लिख लेंगे इधर क्वांटम जो हमारे पास आया है 3 की जगह हम क्या नीचे इसके नीचे क्या लिख देंगे 2 एंड 0 के नीचे हम वापस रिमाइंडर लिख लेंगे 4। ओके अब जो हमारे पास डिवाइडेंट जो हो गया वो कितना है
43, वापस हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है, जो डिवाइडेंट आ गया हमारे पास 43, 43 में से हम क्या माइनस करेंगे, 43 में से हम क्या माइनस करेंगे, कॉन्टेंट मल्टीप्लाई दो जान, ओके, कॉन्टेंट मल्टीप्लाई दो जान, यहाँ पे न्यू कॉन्टेंट से आया हमारे पास 2, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो गया ये 4, 43 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 39, ओके, तो अब हमारे पास जो मॉडिफाइड डिवाइडेंट है ये कितना है 39 है, ये क्या है मॉडिफाइड डिवाइडेंट जो है वो हमारे पास 39 है। अब हम 39 को है जो है 4 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे 43 नहीं है, ये क्या है 39, वापस थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे 39 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, कितने टाइम डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स क्वांटम कितना जाएगा यहाँ पे 9 एंड रिमाइंडर कितना जाएगा 3, ओके 36, आगे कितना बचेगा 39 माइनस 36 ये कितना रहेगा 3, ओके क्वांटम 9 आ जाएगा रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो वापस हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है, इसके नीचे हम एज इज यहाँ पे 9 पुट कर लेंगे और जो रिमाइंडर 3 आया है वो 3 के आगे एंड 4 के पीछे और इन दोनों के बीच में नीचे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 3, ओके अब हमारे पास जो न्यू डिवाइडेंट आया हुआ है 3 एंड 4 ये 34, लेकिन इसको हमें मॉडिफाइड करना है, मॉडिफाइड कैसे करेंगे, क्या करेंगे वापस इसमें से हम माइनस करेंगे क्या जो न्यू कॉन्टेंट आया है, कॉन्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे दो जान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 34 माइनस कॉन्टेंट मल्टीप्लाई दो जान, ओके 34 में से हम क्या माइनस करेंगे, कॉन्टेंट क्या देगा हमारे पास 9 एंड दो जान क्या देगा है 2, 9 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 18, ओके 34 माइनस ये 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस कर लीजिए 14, 14 में से ये 8 गया 6 और यहाँ पे 2, 2 में से बन गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 16, तो ये जो है हमारे पास न्यू डिवाइडेंट आ गया, कितना आ गया 16, अब जो है हम 16 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ स्टेप हम क्या लेंगे 16 डिवाइड बाई 4, क्या करेंगे 16 डिवाइड बाई 4 एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपके पास न्यू क्वांटिटी आया 9, 9 को आपने दो जान से मल्टीप्लाई के लिए कितना हो गया 18, 18 को आपने माइनस किसमें से किया है 34 में से, ओके यहाँ पे जो 34 आया है 34 को आपको इधर एज इट इज पुट करना है, 34 को एज इट इज यहाँ पे आप क्या करोगे 34 पे एज इट इज पुट करोगे और इसमें से आपने माइनस क्या किया ये 18 जो आपने माइनस किया इधर आंसर क्या आया था आपके पास 16, जो ये 16 होगा ये 16 ही क्या होगा फाइनल रिमाइंडर होगा, ये 16 ही क्या होगा फाइनल रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगा 29 एंड 16 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ओके ये प्रोसेस कब तक फॉलो करना आपको पता चलने होगा, मेन चीज आपको इधर यही देखनी है कि ध्वजान कौन सा लेना है मुख्यांक कौन सा लेना है, ओके ध्वजान में मुख्यांक में कंफ्यूजन होता है, जो यूनिट डिजिट दे रखी है उनको आपको हमेशा ध्वजान लेना है और जो सेकंड यूनिट दे रखी है दहाई में उनको आप क्या लोगे मुख्यांक लोगे, ओके इस पे और क्वेश्चन हम करेंगे, आप क्वेश्चन मेरे को सबमिट कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस में उनका मैं सॉल्यूशन करूंगा, ओके जो होमवर्क में आपको ध्वजान मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन करना है वो आप एक बार नोट कर लीजिए, डिवाइड करना है ध्वजान मेथड से, क्वेश्चन दे रखा है 7453 डिवाइड बाई 79, जो ये ध्वजान मेथड है
वो प्रीवियस जो रिमेनिंग हमने तीनों मैथ पढ़े उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है तभी इस पर पकड़ बना पाओगे। क्वेश्चन को बार बार ट्राई करना है, ध्यान वही देना है, जो आप ध्वजांक का रोल है वो क्या है वो आपको ध्यान रखना है। ध्वजांक जो है हमेशा मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉन्टेंट से, और उसको माइनस किस में से करना है, जो न्यू डिवाइडेंट है उसमें से माइनस करना है, यही प्रोसेस करना है। जो आपके पास न्यू डिवाइडेंट है उसमें से आप क्या माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, ध्वजांक को मल्टीप्लाई करोगे कॉन्टेंट से और उसमें से ये टर्म माइनस करोगे, जो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मॉडिफाइड डिवाइडेंट। यही प्रोसेस आपको हर स्टेप में फॉलो करना है। ओके, तो इसका बेसिक फॉर्मूला ये है, इस एक फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, रियल नंबर्स।